हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। रिलायंस जियो ने 2 साल से भी कम वक्त में देश की 3 टॉप टेलीकॉम ऑपरेटर्स के बीच अपनी जगह बना ली है। काउंटर पॉइंट की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 के पहले तिमाही में जियो फोन फीचर फोन के सेगमेंट में नंबर 1 बन गया है। इस सेगमेंट में रिलायंस जियो 35.8% मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 बन गया है। जियो के रिवेन्यू में जियो फोन की भूमिका को स्टडी करते हुए बताया गया है कि अब तक कुल 4 करोड़ जियो फोन की बिक्री हो चुकी है। कंपनी की ग्रोथ में जियो फोन की अहम भूमिका। टेलीकॉम इंडस्ट्री पर क्रेडिट सुइस के एक सर्वे में बताया गया है कि हाल की मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि साल 2018 की जनवरी मार्च तिमाही में जियो फोन की फीचर फोन सेगमेंट में 36% बाजार हिस्सेदारी रही। रिसर्च में कहा गया है इस तिमाही में जियो फोन की बिक्री करीब 2.1 करोड़ रही। इस हिसाब से हर माह 70 लाख जियो फोन की बिक्री हुई। कुओ तातायोन मारक रिपोर्ट में कहा गया है नतीजों से यह पता चलता है कि जियो अब शुरुआती खरीद की अवधि को पार कर चुका है और लोगों ने इसे अच्छी तरह स्वीकार किया है। बहुत जल्द यह दूसरी कंपनियों के ग्राहकों को अपनी ओर खींचेगी और अन्य फीचर फोन की बाजार हिस्सेदारी में सेंध लगाएगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस सेगमेंट में जियो किस तरह के डेटा एक्सपीरियंस यूजर्स को देता है। कुओ तातायोन मारक रिपोर्ट में कहा गया है कि जियो ने स्मार्टफोन सेगमेंट में लगातार प्रति फोन 10 GB प्रति महीने से अधिक का डेटा खपत दर्ज किया है। सर्वे में कहा गया हमें आश्चर्य होगा अगर फीचर फोन यूजर्स भी स्मार्टफोन यूजर्स जितना ही डेटा की खपत करेंगे। कुओ तातायोन मारक आपको बता दें जियो फोन को रिलायंस जियो ने साल जुलाई 2017 में लॉन्च किया था। इस स्मार्टफोन को खरीदने के लिए ₹1,500 ग्राहक को देने पड़ते हैं जो 36 महीनों के बाद वापस कर दिए जाते हैं। फीचर फोन सेगमेंट में ये पहला 4G ओल्ड फोन है। इस पर ग्राहक YouTube, Facebook, Google सर्च का इस्तेमाल कर सकता है।